So hello everybody, welcome back to Physics. My name is Dixon. So in today's video, we will learn and talk about which is conceptual talk, which is the most hated debate, hated topic, which is entropy. This is also Newton's second law of thermodynamics. It is also Carnot's heat engine, which is also called second law of thermodynamics. So in this video, हम entropy के बारे में बात करेंगे. Entropy होती क्या है? एंट्रोपी का मतलब क्या, उसका एसेंस क्या, उससे वो प्रकृति में कैसे चलता है. एंट्रोपी हमारे नेचर के एंट्रोपी क्या है वो हम समझेंगे. सो एंट्रोपी को हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं. सो एंट्रोपी होती है इन सिंपल वर्ड्स डिग्री ऑफ रैंडमनेस. एंड आपने जरूर पढ़ा होगा कि जो हमारी यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो हमेशा इंक्रीज करती है. इट ऑलवेज इंक्रीजेस. दिस मीन्स दैट हमारा जो नेचर है उसकी रैंडमनेस हमेशा बढ़ती है, वो कभी घट नहीं सकती. इट नेवर डिक्रीजेस. हमारी यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो कभी डिक्रीज नहीं करती. या तो कॉन्स्टेंट रहेगी या तो बढ़ेगी, लेकिन वो कॉन्स्टेंट भी नहीं रहती, वो हमेशा बढ़ती ही है. तो एंट्रोपी, सो एंट्रोपी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं विच इज मोर प्रैक्टिकल टू अंडरस्टैंड इट. सपोज यू टेक अ बोल, सपोज इन ए कप, इन ए कप देयर आर 15 बॉल्स. 15 बॉल्स है एक कप में, 15 बॉल्स. जिसमें जो ऊपर की 7 बॉल्स है वो है ब्लू कलर की, जो नीचे की 8 बॉल्स है, मैंने गिन के नहीं बनाया, सी बना रही कितनी भी हो सकती है, जो नीचे की 8 बॉल है वो रेड कलर की. तो अभी एक पैटर्न में है, विच इज ऊपर ब्लू नीचे रेड है, तो मिक्स नहीं हो सकती अभी. लेकिन अगर हम इसी बकेट को अर्थ पे, ग्राउंड पे, जमीन पे फेंक दे तो ये इसकी जो रैंडमनेस है वो बढ़ेगी. इसकी रैंडमनेस सेम नहीं रहेगी, इसकी जो रैंडमनेस है वो बढ़ेगी. मतलब आप इसके कोई ऑर्डर नहीं होगा. मान लीजिए कोई यहाँ पे एक ब्लू बॉल आ गई, फिर रेड, फिर ब्लू, फिर रेड, फिर रेड, फिर ब्लू, और ऐसी इसकी ऑर्डर हमें समझ नहीं पाएंगे. इसका ऑर्डर हमेशा बिगड़ता ही रहेगा, और आप जितनी बार भी इसे फेंकेंगे उतनी बार इसका ऑर्डर बढ़ेगा, इसका ऑर्डर बिगड़ेगा, इसकी रैंडमनेस बढ़ेगी. दिस इज एंट्रोपी. सो एंट्रोपी होती है डिग्री ऑफ रैंडमनेस, ये क्वांटम मैकेनिकल लेवल पे है. तो एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, आप जितनी बार भी इस बॉल को फेंकोगे, एक बार फेंकोगे तो इसका ऑर्डर थोड़ा सा बढ़ेगा, इसके रैंडमनेस का ऑर्डर थोड़ा सा बढ़ेगा. फिर आप इसको दूसरी बार फेंकोगे तो इसका रैंडमनेस का ऑर्डर थोड़ा और बढ़ेगा, फिर थर्ड बार, फिर फोर्थ बार, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा. सो दिस इज एंट्रोपी, कि हमारा जो यूनिवर्स के अंदर वो हमेशा बढ़ेगी. इसको अरेंज करने के लिए हमें इसको एक एक करके बोल में डालना होगा, लेकिन इसकी एंट्रोपी हमेशा हमेशा बढ़ेगी, रैंडमनेस हमेशा बढ़ेगी. सो हमारा जो नेचर वो एक ऑर्डर में नहीं जाता. अगर हम उसे एक अरेंजमेंट में नहीं रखे तो एक अनुपस्थित ऑर्डर में चला जाता है. सो एंट्रोपी, सो एक बोल ले लीजिए, एक एटम, क्वांटम लेवल पे एक एटम है जिसके पास है 6 एनर्जी लेवल्स, और एक है स्मॉल एटम दूसरा, इसको नाम देते हैं ए, इसको बी दूसरे वाले को. इसके पास है हीट. सो हम जो ये बोल रहे हैं हीट है, पैकेट्स के रूप में होते हैं क्वांटा, जो कि मैक्स प्लैंक ने बताया था. तो अभी हम इमेजिन करें कि ये हीट है एक एटम के पास, न्यूट्रल एटम है, कुछ भी ले सकते, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और ये बी वाले के पास है 3 एनर्जी लेवल्स. सो अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है, हीट हीट थ्योरी पढ़ी है आपने थर्मोडायनेमिक्स में, तो आपको ये जरूर पता होगा जो हीट है वो हायर से लोअर लेवल की तरफ जाती है, ताकि जो स्टेट है वो इक्विलिब्रियम रीच कर सके. लेकिन एटॉमिक लेवल पे ऐसा नहीं होता.
एटॉमिक लेवल पे ये एटम यहाँ पर ये हीट का एटम हीट जो हीट रिप्रेजेंट कर रहा है हीट, ये सड़ जा सकती है, ये वाली हीट सड़ा जा सकती है, ये वाली इस साइड, सो इसका कोई एक ऑर्डर नहीं है। और दिस इज क्वांटम फिजिक्स जो हम आगे पढ़ेंगे, तो इसका कोई ऑर्डर नहीं है, हमेशा इसके रैंडमनेस हमेशा बढ़ेगी। ये वाला इस साइड आगे यहाँ पे आ गया, ये वाला इस साइड, ये वाला इस साइड, ये वाला इस साइड। सो फिर एक बात है कि जो हीट है वो हायर से लोअर में फिर जाती कैसे है, जो हीट है वो हायर से लोअर में, हायर से लोअर लेवल पे कैसे जाती है। सो जो हायर लेवल की हीट है, सो देखिए इसमें, देखिए ये वाले में सिक्स है, सो देखिए इस ये जो छह एटम, ये जो छह हीट के हीट को रिप्रेजेंट करे क्वांटा, ये इसके यहाँ पे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू दिस। मान लीजिए एक इस साइड आ रहा है तो ये दो इस साइड जाएंगे, ये दो आ रहा है तो ये चार इस साइड जाएंगे, तो इसकी इस साइड जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू दिस। मतलब समझिए कि अगर ये वाला एटम, अगर ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ आ रहा है तो इससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये तीन क्वांटा हीट के इस साइड जाएंगे, क्योंकि ये ज्यादा है तो इनकी प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है इस साइड पाने की, इस साइड जाने की, और ये कम है तो इनकी प्रोबेबिलिटी भी कम है। इसलिए जो हीट है वो हाईएस्ट से लोअर लेवल पे ही जाते हैं इन आवर क्लासिकल मैकेनिक्स, इन आवर क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल डे टू डे लाइफ। पर क्वांटम फिजिक्स में ऐसा नहीं होता, क्वांटम फिजिक्स में एक कुछ भी रैंडमनेस हो सकता है, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी वो ज्यादा है इसकी सड़ जाने की। सपोज कि ये कि एक मैच चल रहा है और यहाँ पे तीन बच्चे खड़े हैं एक साइड, और यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है बस, और यहाँ पे एक बकेट में बॉल रखी हुई है काफी सारी, और यहाँ पे भी बकेट में बॉल रखी हुई है। सो इसको आप, इसको मान लीजिए ए एटम, इसको मान लीजिए बी एटम, इसमें तीन है, इसमें एक है, इसका रेशियो 3:1। सो ये वाला जो लड़का, ये भी साइड बॉल फेंकेगा, थ्रो करेगा, ये भी साइड थ्रो करेगा, लेकिन जो ये तीन लड़के ये भी साइड थ्रो करेंगे, लेकिन ज्यादा बॉल जो इस दीवार पे आ रही है वो फ्रॉम आवर कॉमन सेंस की इन ये तीन लड़कों की साइड से ज्यादा है, क्योंकि इनकी क्वांटिटी भी ज्यादा है, इनकी प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी यहाँ पे इस साइड बॉल फेंकने की, और ये एक है तो ये कम बॉल फेंक पाएगा, जबकि तीन गुना ज्यादा बॉल फेंक पाएंगे क्योंकि इनका रेशियो सेम नहीं है। लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखें, मान लीजिए t=t-second पे देखें, सो मान लीजिए ये बॉल उठाने लग गई दो लड़के, और ये एक बॉल फेंक रहा है, और ये इसने एक बॉल फेंक दी, तो उस इंस्टेंट पे जो ये वाला बी एटम है, इसके जो हीट है क्वांटा, उसकी यहाँ जाने की हमें दिखेगी हीट यहाँ पास हो रही है। लेकिन अगर मैं पूरे बड़े लेवल पे देखें तो जो ज्यादातर हीट क्वांटा है वो इस साइड जा रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हो सकता है कि ये हीट इस साइड जाए, लेकिन एक बॉल में पूरा सड़ जाएगा। सो इसी तरीके से इसमें है, सो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हो सकता है कि ये सारी यहीं रहे और ये इस साइड आ जाए, एक एटम, एक मॉलिक्यूल ऐसे आ जाए, लेकिन अगर एक पूरे टाइम के लिए देखें तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इनकी है इस सड़ जाने की। इस वजह से जो हीट है वो हाइयर से लोअर पे जाते, दिस इज स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज आल्सो वेव फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा इस सड़ जाने की, सो इसलिए जो हीट है वो इस सड़ जाती है हायर से लोअर, ना कि लोअर से हायर। लेकिन एक इंस्टेंट पे देखेगी t=t- पे, तो इसकी यहाँ पे आने की इस पे हमें दिखेगा कि ये मॉलिक्यूल बोल दे रहा हूँ क्वांटा हीट क्वांटा इस साइड आएगा एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। लेकिन अगर हम पूरे बॉल में देखें तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस साइड आने की यहाँ की है, इन हीट क्वांटा की इस साइड आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा विद रिस्पेक्ट टू दिस। सो दिस इज एंट्रोपी, कि जो हमारी रैंडमनेस है वो कैसे है। तो सपोज तब तो हम समझ गए कि जो मॉलिक्यूलर लेवल पे वो हीट कैसे चेंज ट्रांसफर होती है। अब हम समझते हैं कि जो एंट्रोपी है वो बढ़ती क्यों हमेशा। मान लीजिए दो मॉलिक्यूल वही अपने एटम ए और ये बी, ये आर सिक्स
लाइट कौन था, हीट कौन था, और यहाँ पे थ्री। अब इसकी जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी को मैसेज नोट करते हैं, फिर इसकी जो एंट्रोपी वो भी लेस है। लेस है क्योंकि हमें दिख रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा इस साइड जाने की। लेकिन अगर हम देखें टी इक्वल टू टी डैश सेकेंड बाद, अगर हम देखें तो सपोज कीजिए प्रोबेबिलिटी इस इनकी सड़ जाने की ज़्यादा है, तो मान लीजिए दो चले गए साइड हीट क्वांटा, सो ए यहाँ पे कितने बचे, पाँच चार सॉरी तो यहाँ पे ज्यादा हो गए, तो यहाँ पे ज्यादा हो गए, यहाँ पे ज्यादा हो गए हीट क्वांटा। सो अब इसकी जो एंट्रोपी है वो हाई है, क्योंकि अब हमें नहीं पता कि इसकी, अब इसकी रैंडमनेस बढ़ चुकी है, क्योंकि अब इसमें तो हमें पता था कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये जो ये तीन एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स है, तीन एक्स्ट्रा क्वाइट क्वांटा लाइट, इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा इस साइड जाने की क्योंकि ये कंपैरेटिवली लेस है। लेकिन यहाँ पे ये कंपैरेटिवली इतने लेस नहीं है, इसका रेशियो सिर्फ 5:4 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा आएगी, रैंडमनेस बड़ी है। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हम बता सकते हैं कि इस साइड जाएंगे, इस चीज में हम अच्छे से देख सकते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा इस साइड जाने की। लेकिन इस केस में इसकी प्रोबेबिलिटी है तो भी ज़्यादा इससे, क्योंकि एक लाइट क्वांटा मॉलिक्यूल ज़्यादा, लाइट क्वांटा ज़्यादा, लेकिन इससे कम है, इस वाले से कम है। सो दिस मीन्स कि इसकी जो रैंडमनेस है वो बढ़ गई, उस वाले में जो रैंडमनेस है वो डिक्रीज हो रखी, इसकी रैंडमनेस डिक्रीज, क्योंकि हमें पता है कि ये सड़ जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा क्योंकि ज़्यादा, लेकिन इसमें ये लेस हो गए, इस सड़ जाके इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, जिस वजह से इसकी एंट्रोपी बढ़ गई। और यही एंट्रोपी, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, कि रैंडमनेस की डिग्री कितनी है। तो हमारे यूनिवर्स की जो प्रॉब्लम समझ गए कि एंट्रोपी होती क्या, अब समझते हैं हमारे यूनिवर्स की एंट्रोपी कैसी है। सो जो हमारे यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो दो स्टेट में होती है, जो हमारे यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, या तो जीरो से ज्यादा होगी या जीरो पे होगी, वो कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकती, वो जीरो से छोटी कभी भी नहीं हो सकती, मतलब इसकी एंट्रोपी कभी भी घट नहीं सकती। अब इसको एग्जांपल से भी समझ सकते हो कि मान लीजिए एक चाय का कप है, टेबल पर रखा, उसमें चाय है, वो एक बार पास करे, हीट फ्लो हो रही है, क्योंकि इसकी फ्रीज का जो हीट है वो ज़्यादा हो, हीट हाई से लोअर लेवल पे जाती है हमें पता है, सो इसकी हीट बाहर जा रही है, ठीक है। लेकिन तो इसकी रैंडमनेस बढ़ रही है क्योंकि इसके जो लाइट क्वांटा बाहर जा रहे हैं, लेकिन कैसा हो सकता है कि ये अपने आप बाहर से हीट इसमें आ जाए, बाहर से मान लीजिए टी इक्वल टू जीरो पे, और एंट्रोपी को समझना इतना आसान है, उसके काफी दिमाग लगाना पड़ता है। अब टी इज इक्वल टू टी सेकंड पे, अब इसने हीट बार फेंक दी अपनी, और इसकी हीट अब ये मान लीजिए ये भी टी इज इक्वल टू टी, और ये भी टी इज इक्वल टू टी, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर को डिनोट कर रहा हूँ मैं टी इज इक्वल टू टी, अब इन दोनों का टेम्परेचर बराबर है। सो अब इनकी एंट्रोपी बढ़ गई रैंडमनेस, तो अब ये नहीं पता कि जो लाइट क्वांटम मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ से इस साइड जाएंगे, यहाँ से उस साइड जाएंगे, एंट्रोपी बढ़ गई, इस वाले में कम थी क्योंकि यहाँ पे पता है इसके लाइट क्वांटम मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, हीट क्वांटम मॉलिक्यूल्स, जिस वजह से बाहर जाएंगे। लेकिन इसमें इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो अपने आप बाहर गई हुई हीट है वो अपने आप बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस, विदाउट एनी कि विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस के जो बाहर गई हुई हीट है वो अपने आप यहाँ पे आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस ये हीट वापस इसमें नहीं आ सकती अपने आप नेचुरली, तो इसकी एंट्रोपी तभी डिक्रीज होगी। अब मान लीजिए इसकी एंट्रोपी यहाँ पे एस इज इक्वल टू एस डैश, और यहाँ पे एस इज इक्वल टू डबल डैश,
सो इस केस में जो एंट्रोपी बढ़ी, समझा दिया कैसे, प्रोबेबिलिटी बढ़ी, रैंडमनेस बढ़ी, और रैंडमनेस बढ़ी तो एंट्रोपी बढ़ी. सो एस डैश इज ग्रेटर देन एस, एस डबल डैश इज इक्वल टू ग्रेटर देन एस डैश. लेकिन क्या ये हीट दोबारा से इसमें आ सकते हैं जिस वजह से इसकी एंट्रोपी डिक्रीज हो जाए? इट विल नेवर, इट विल नेवर हैपन. किसी भी मान लीजिए चाय है, वो एक टेबल पर रखी हुई है, उसमें से हीट जो बाहर निकले और दोबारा अपने आप वापस नहीं आ सकती नेचुरली. दिस इज द मेन लाइन नेचुरली. ह्यूमन इंटरफेरेंस से तो आ सकती लेकिन नेचुरली नहीं आ सकती. तो इस वजह से जो हमारे यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो कभी भी जीरो से छोटे मतलब माइनस में नहीं जा सकती. इट विल नेवर हैपन. लेकिन या तो वो जीरो से बड़ी होगी या तो बराबर होगी. जीरो से नीचे वो नहीं जा सकती. अब समझते कि वो बढ़ेगी ही क्यों, बराबर क्यों नहीं हो सकती. अब बराबर ये इसलिए नहीं हो सकती कि वही चाहे एग्जाम्पल ये हीट बात छोड़ रही है चाय अपने से, क्योंकि इसकी टेम्परेचर ज्यादा है. टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है. काइनेटिक एनर्जी रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टेम्परेचर. थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक है ये. सो इसके जो मॉलिक्यूल्स वो बाहर चले गए, लाइट क्वांटम बाहर चला गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, एंट्रोपी बढ़ गई. सो इसकी जो एंट्रोपी है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है. लेकिन आप एक बात देखिए, आप इसको नेचुरली किसी ऐसी जो कंजर्व्ड है इसमें कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, सिर्फ नेचुरली प्रोसेस हो रहा है इसमें अगर, तो क्या ये चाय हमेशा के लिए गर्म रहेगी? अगर इसका आसपास का टेम्परेचर इससे लेस है, ये टेम्परेचर है टी और ये टी इक्वल टू टी डैश, और जो टी डैश है वो लेस देन है टी से. सो आप देखिए क्या कभी भी चाय में जो हीट है वो हमेशा वैसी रहेगी, कभी भी ये उससे कभी भी ये इक्वल नहीं रहेगी, कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी, हमेशा बढ़ेगी एंट्रोपी. और ये जो हीट है बाहर जाएगी, उसकी जो हीट है वो कम होगी क्योंकि बाहर हीट कम है. और जैसे हमने पढ़ा था एंट्रोपी में जो इसकी प्रोबेबिलिटी बाहर जाने की वो ज़्यादा है, जबकि जो हीट की प्रोबेबिलिटी इसके अंदर आने की वो कम है. इस वजह से इसकी जो एंट्रोपी है वो कॉन्स्टेंट भी नहीं रह सकती, हमेशा बढ़ेगी क्योंकि हीट इससे बाहर जाएगी. क्योंकि एक सिस्टम है, सिस्टम में एक बार जाती है तो नेचुरली जो एंट्रोपी है, सॉरी एस एस से नोट करना है, सो नेचुरली जो एंट्रोपी है वो कभी भी कांस्टेंट भी नहीं रह सकती, वो डिक्रीज और नेवर हैपन. सो मैं जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है, एंट्रोपी ऑफ आर यूनिवर्स ये जो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, दिस मीन्स ये कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं रह सकती, ये डेल्टा एस होता है चेंज इन एंट्रोपी. एंट्रोपी में कितना चेंज आया, सो एंट्रोपी जो यूनिवर्स की हमेशा बढ़ेगी. इट विल नेवर डिक्रीज ऑन नॉर बीइंग कॉन्स्टेंट. वो ना ही डिक्रीज करेगी और ना ही कॉन्स्टेंट रहेगी, क्योंकि नेचर की जो ऑर्डर है वो हमेशा एक रैंडमनेस की तरफ बढ़ेगा. अगर आपके हाथ में कोई कार्ड है, अगर आप उसको फेंक दीजिए, तो एक बंच ऑफ कार्ड है, 10 बंच ऑफ कार्ड जो रेगुलर जो एक दो तीन करके ऐसे सीक्वेंस में रखे हुए हैं, आप उसको ऐसे जमीन पर फेंक दीजिए तो उसकी एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी, उसकी रैंडमनेस बढ़ेगी. आप ये नहीं बता सकते कि ये कार्ड यहाँ पे है, आप देख के बता सकते हैं लेकिन अपने आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि इसकी एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी और जितनी बार आप फेंकेंगे उसकी एंट्रोपी उतनी बार ही बढ़ेगी. तो जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है इट विल नेवर डिक्रीज, इट विल ऑलवेज इंक्रीज. So thanks for watching. Please like, share and subscribe.